वक्त बीएचयू ट्रामा सेंटर जो आदित्य सर्विस स्टेशन पेट्रोल पंप है इस जगह पर खड़ा हूँ और मेरे साथ ये आप ही साथ में ही है ना। और क्या नाम है आपका? पप्पू दयाल यादव जी। और अच्छा आपका? अच्छा निखिल कुमार। आप बताएंगे आप यहाँ पे इन्होंने आपने क्या क्या आप खुद ही बताया अपने बारे में। मैम मेरा नाम निखिल कुमार सिंह है, मैं आईटी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और ये सब मुद्दे हैं बहुत बड़े हैं यहाँ पे क्योंकि पेट्रोल टंकी पे हैं फ्री सेवा के लिए हमने आए हैं और यहाँ पे इतने सारे मुद्दे हमने लिए जो कि 5-6 हज़ार के लगे इनका पूरा प्राइस 5-6 हज़ार रुपये है जो कि हमें निशुल्क खाई है। अच्छा अच्छा चलिए ऐसे ही नाम क्या बताएंगे? निखिल को आपने फिर काम किया है? गाँव कहाँ है आपका? अच्छा दलालपुर ये चुनार के रहने वाले हैं और 12 साल आपने पास किया 2020 में। तो निखिल कुमार जो मैं चाह रहा हूँ कि आगे जो भी तैयारी करें अगर भारत के बहुत बड़े कल को पढ़ाई करके उच्च पोस्ट पर पहुँचते हैं लेकिन भारत को 100% साक्षर करने के लिए लेकिन आपको एक शपथ देनी पड़ेगी और जब भी गाड़ी चलाएंगे बगैर हेलमेट नहीं चलाएंगे तभी हम आपको पुस्तक और चीज़ें देंगे। आप कैमरे के सामने शपथ कहिए कि बिना हेलमेट मैं कभी ड्राइव नहीं करूँगा। मैं बिना हेलमेट कभी ड्राइव नहीं करूँगा और नहीं करता क्योंकि एक बार हो चुका है। अच्छा अच्छा तो वैसे ही जो आने वाला जो हमारा जो भारत है दुनिया मैं इसीलिए युवाओं को जागरूक कर रहा हूँ ताकि वो हेलमेट के प्रति जागरूक हो सके और जो लोगों द्वारा जो पुस्तकें दी गई है जो उनके बदले में जो मैं अच्छा ये बताइए मैं पुस्तक लेके हेलमेट जागरूक करने के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा काम है नाम ही पूछे तो कम से कम आप और दोस्तों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कि आप जो पुस्तक है इसमें आप नहीं पढ़ रहे हैं ना हेलमेट लीजिए अगर आपको ड्राइविंग करना है तो अच्छे से आपका जीवन सेव करना है तो आप देखिए वहाँ पे ये सब सुविधाएं पड़ी हैं। अच्छा चलिए ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आप इनके मित्र हैं जी। हाँ बोलिए। मेरा नाम प्रभु दयाल यादव और मैं चंदौली से बिलोंग करता हूँ। आप लोग जो पुस्तकें रखे हुए हैं घर पे वहाँ पे लाकर आप लोग मतलब दे दें और हेलमेट उपलब्ध करें आप देते ही रहेंगे और यहाँ पे जो आप पुस्तकें घर पे रखे हुए हैं कोई ले जाकर उपयोग करेगा तो क्या पढ़ेगा उसका भविष्य बनेगा यही नहीं सकता। चलिए ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हेलमेट में मेरे पास जेंटलमैन बहुत अच्छे हैं। क्या नाम है आपका? मानस यादव। मानस यादव जी कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सर मैं बीटेक कंप्लीट कर चुका हूँ। मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा मैं ऐसे ही लोगों के लिए हेलमेट के प्रति जागरूक कर रहा हूँ। ये उनकी माता की क्या नाम हुआ संगीता यादव जी खुद आए हैं ये पुस्तक लेकर प्रवेश करने के लिए और ये हेलमेट पहनने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो भारत में जो प्रतिवर्ष जो 1.5 लाख जो मौत होती है मैं हमेशा बोलता हूँ उसमें 50,000 ऐसे लोग मिले थे जो घर के सुंदर चिराग होते हैं उसमें आकर अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगा कि माँ को भी जैसा आपको हेलमेट मिलना चाहते हैं उनको पाना भी अपने देना चाह रहा हूँ मैं इसमें मदद करता हूँ। आप अगर इनको ये बुक के ऐसे बहुत से मदन हैं जो अपने बच्चों के हेलमेट के प्रति मतलब पढ़ाई के लिए लेकिन वो हेलमेट नहीं पहनते हैं क्या मैसेज है आपको किस कहना है इसके बारे में हमें और करना चाहिए? मुझे जैसे गरीब बच्चों की मदद करना चाहिए जो बच्चे हैं पढ़ लिख नहीं सकते उनके पास पढ़ने के लिए नहीं है तो हम ऐसे बच्चों को मदद करना चाहते हैं। चलिए बहुत अच्छा लगा और जैसे मैं रोड सफाई के लिए जो कार्य कर रहा हूँ और उसमें बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा कि बहुत से गरीब बच्चे हैं अपने देश में जो पढ़ना तो बहुत चाहते हैं लेकिन उनके पास साधन नहीं है तो इस तरीके से हम लोग उनको बुक्स प्रोवाइड करा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर और उसके थ्रू हमें भी कुछ अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है और रिटर्न में जो हेलमेट दे रहे हैं वो भी उसमें भी एक मैसेज है कि आपको रोड पे सेफली चलना है अपने आप को बचाना है ताकि क्योंकि आपसे और आपसे जुड़ी हुई जिंदगी है वो भी सेफ रहे। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो भी आप वीडियो को देख रहे हैं 6ठी क्लास से लेकर ग्रेजुएशन क्लास तक आप भी ये करेंगे प्रॉमिस कि आपके मोहल्ले में कोई भी बच्चा शिक्षित नहीं रहेगा जिसको भी नीड है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से पुस्तकें लेके जा भी सकता है। जैसे कि मैंने भारत में जो पिछले 7 साल से कार्य कर रहा हूँ 6 लाख बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें दे चुका हूँ और 48,000 बच्चों को ऐसे हेलमेट दे चुका हूँ ताकि हमारा भारत सड़क दुर्घटना मुक्त बने और देश 100% साक्षर बन सके। अंकल जी हाँ कैसे ये आपको बुक के बदले आपको हेलमेट दिया जाएगा कितने बुक पे?
भी बुक को कितने मतलब और हम जैसे आपको जैसे बुक लेना हो तो हमसे भी ले सकते हैं बुक। जैसे कि देख रहे हैं वाराणसी डिस्ट्रिक्ट ट्रामा सेंटर पे यहाँ कितने दे रहे हैं ये बोड़ी में लोग पुस्तकें लेके आ रहे हैं मेहनत कर रहे हैं दे रहे हैं एक रुपये भी नहीं लगेगा ना दे दीजिए दिया जाएगा आपको बुके बुक के बदले बुक बिल्कुल आप आइए आप चाहिए तो कहना चाहेंगे काउंट कर दीजिए अरे बुक काउंट कर रहा है क्या लिख रहा है इधर इधर भी जरा कैमरे घुमाओ भाई ये युवा है ऐसे लेकिन ये पढ़ रहे हैं इनके घर में पुस्तकें होंगी लेकिन ये हेलमेट ला करके नहीं चल रहा है क्यों नहीं हेलमेट आया आपके पास लेना लेना है जब हमने कहा तो आप अपने पढ़ी हुई पुस्तक लेकर के आइएगा सर कितने क्लास तक और नाइन्थ से लेकर कौन सी क्लास में है इस बार नाइन्थ है सर एक ला सकते हैं हाँ हाँ एक कला सकते हैं और बल्कि पड़ोस वालों से मांग के लेके आइएगा ताकि आपको लगे कि आपने हमारे लिए कुछ किया जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं या वो भी आपके हेलमेट नहीं लगा रहे हैं तो लेके आइएगा ताकि हम उनको भी हेलमेट दे सकें आपको भी दे सकें कौन से स्कूल में है सर कब तक लगा रहेगा स्कीम 17 तारीख तक ये कोई स्कीम नहीं है सुरक्षा के लिए जिस बच्चे को नीड है छठी क्लास में ग्रेजुएशन आप फ्री किताबें भी दे रहे हैं आप चाहें तो आप लेके जा भी सकते तो ये पुस्तक लेके आए हैं लेने के लिए क्या नाम है आपका दीपक जी ये कौन सी क्लास की है आपकी है ये एक पुस्तक लेके आए हैं हेलमेट लेने के लिए और आपको ये देखिए ये भी युवा है और आपने कितनी पुस्तक लेके आए हैं 21 पुस्तकें लेके आई हैं और आपने भी ये कितनी लेके आई है ये उनकी पुस्तकें हैं और ये उनकी पुस्तकें हैं तो ये आपसे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हेलमेट का रियल में हकदार कौन है आप खुद ही बता दीजिए कौन है हकदार कौन है वो है ना हाँ। ये उनकी अगर आप भी अगर उनकी तरह मेहनत करते हैं अगर लेकर के आते हैं पुस्तक हम आपको हेलमेट देते हैं तो यही है आपका क्या नाम है ये राम प्रवेश जी कुछ मैसेज देना चाहेंगे जैसे लोगों को पुस्तक आप बताइए आपने जो पुस्तक लिखा है क्या नाम है आपका दिप्तेश नाम है मेरा दिप्तेश जी ये आप जो कर रहे हैं बहुत ही बड़ा काम है।